हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी एंड एजुकेशन का सेक्शन 1.5, एम्स ऑफ एजुकेशन। इसमें हम बात करेंगे एजुकेशन के एम्स की, मीनिंग्स की, उसके साथ इंडिविजुअल मीनिंग क्या होता है, सोशल मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या होता है, और हम बात करेंगे बायोलॉजिस्ट के व्यूज की, नेचुरलिस्ट के व्यूज की, सोशलिस्ट हो, स्पिरिचुअलिस्ट हो, या स्टेट के व्यूज की, या अथॉरिटीज के व्यूज की, और इसके साथ हमारे बहुत सारे फिलोसोफर्स के व्यूज की, यानी गांधी जी के बारे में हो, या फिर जॉन डेवे के, या फिर रोसे के व्यूज के बारे में हो, इन सब के बारे में बात करेंगे जो आपको जरूरत पड़ेगा एग्जाम में लिखने के लिए। अगर आपका क्वेश्चन डील करता है किसी भी तरीके से एम्स ऑफ एजुकेशन या व्यू ऑफ एजुकेशन या इंडिविजुअल या सोशल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर व्यूज एंड मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 है और जिसमें हम डील कर रहे हैं क्वेश्चन व्हाट आर द इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। ये एक्चुअली आपके व्यूज भी पूछ सकता है कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के या फिर बायोलॉजिस्ट सोशलिस्ट के व्यूज क्या है, इसके बारे में भी पूछ सकता है। इसमें हम क्रिटिसिज्म के बारे में भी बताएंगे इस वीडियो में कि इन दोनों में क्या क्या क्रिटिक्स है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन की। पार्ट 3 में हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, कल्चर, मोरल एंड वोकेशनल एम्स ऑफ एजुकेशन की, और पार्ट 4 में हम बात करेंगे डिफरेंट कमीशंस के रिगार्डिंग एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। जैसा मैंने बताया, क्वेश्चन हमारा अगर आता है एम्स एंड इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन, तो फ्रेंड्स पहले तो आपको शुरू करना है व्हाट आर एम्स, मतलब क्या है एम्स का, मतलब क्या है एजुकेशन का, फिर आप आइएगा कि एम्स और एजुकेशन का मतलब क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है एम्स ऑफ एजुकेशन की, फिर आप बात कीजिएगा कि जो इंडिविजुअल व्यू पॉइंट है उसके हिसाब से एम्स ऑफ एजुकेशन क्या क्या होना चाहिए, कौन है वो जो बात करते हैं इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन की। उसके बाद बात करेंगे हम सोशल, फिर क्रिटिक्स भी आपको लिखना होगा क्रिटिसिज्म की, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं अगर हम इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन को फॉलो करें। फिर आप बताइएगा कि सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है, उसके व्यू पॉइंट्स क्या है और उसके क्रिटिक्स क्या है। पहले फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक जनरल पर्सपेक्टिव जो हम हमेशा जानते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, एम्स और ऑब्जेक्टिव दो अलग चीजें होती हैं। एम्स एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला होता है जिसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में किया जाता है और ईच सेगमेंट को हम अटेंड करते हैं, ईच सेगमेंट को हम अचीव करते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा। यानी अगर एम्स की बात करें, बीएड का एम क्या है कि हमें ऐसे टीचर्स बनाने हैं जो एफिशिएंट हो, बच्चों की चाइल्ड डेवलपमेंट समझ पाए, सोशल जो नीड है हमारी सोसाइटी की वो समझ पाए, अपने कॉन्सेप्ट में वो क्लियर हो। यानी जो 3 पिलर्स ऑफ एजुकेशन है हमारा, 3 पिलर्स ऑफ बीएड जो है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, ये तीनों चीज़ें हमारे टीचर्स को पता होनी चाहिए, तो ये हमारा एम्स ऑफ एजुकेशन में जाएगा। और अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो हम ऑब्जेक्टिव में चैप्टर वाइज डिवाइड करेंगे उसको, हर एक चैप्टर का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होगा। इस चैप्टर से आप चाइल्ड डेवलपमेंट सीखेंगे या फिर इस सब्जेक्ट से आप एम ऑफ एजुकेशन सीखेंगे, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव बनता है। तो इन शॉर्ट, एम बहुत बड़ा अम्ब्रेला है और उसके अंदर आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो अब बात करते हैं आप इस क्वेश्चन को किस तरह हैंडल करें, दैट मींस अगर आपका क्वेश्चन आता है व्हाट आर इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन, पहले शुरू कीजिएगा एजुकेशन के डेफिनेशन से, और वो है कि सोशल नेसेसिटी, एजुकेशन इज अ सोशल नेसेसिटी, इट प्लेज वाइटल रोल इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। यानी ये एक सोशल रिक्वायरमेंट है, इसी वजह से हमारे दो इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। एक तो ये सोशल रिक्वायरमेंट है और दूसरा इसलिए सोशल रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये इंडिविजुअल लेवल पे उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करवाता है। तो इसके दो पार्ट्स हैं एजुकेशन के, यानी वो इंडिविजुअल को भी स्ट्रेंथन करवाता है और सोसाइटी को भी बेटर बनाता है। तो एजुकेशन इज अ सोशल नेसेसिटी विच प्लेज वाइटल रोल इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। अब बात करते हैं एम, किसी भी चीज के एम की, चाहे आप एम के स्टडीज की हो, एम ऑफ अ प्रोजेक्ट हो, कोई भी चीज, एम ऑफ एजुकेशन हो, कोई भी चीज, एम का मतलब क्या है। एम है, एम इज प्री डिटरमिंड गोल विच इंस्पायर्स द विलिंगफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल आफ्टर केयरफुल थिंकिंग एंड प्रॉपर प्लानिंग। यानी एम जो है हमारा प्री डिटरमिंड गोल है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हम अच्छे टीचर्स अचीव करना चाहते हैं, वो बीएड का गोल है, जो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और फिलोसफी समझ पाए।
तो ये एक प्री डिटरमिन्ड गोल है जिसको हम जो इंस्पायर करता है डिफरेंट एक्टिविटीज, विलिंग जो विलफुली एक्टिविटीज हम डिजाइन कर सकते हैं उस एम को अचीव करने के लिए, और जो एक्चुअली जिसके अंदर एक इंडिविजुअल एफर्ट, केयरफुल थिंकिंग और प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। अब एम ऑफ एजुकेशन पे आइएगा, तमसोमा ज्योतिर्गमया, यानी एजुकेशन जो है, एजुकेशन शुड डिस्पेल डाउट्स, डॉगमास एंड डार्कनेस। एजुकेशन हमारे जीवन से हमारे जो डाउट्स हैं, हमारे जो गलत चीज़ें हैं हमारे अंदर, जो हमारे रिचुअल्स गलत हैं, जो गलत सोच है और हमारे अंदर जो डार्कनेस है उसको अलग करे। हमेशा याद रखिए, अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे जो वर्ड्स तमसोमा ज्योतिर्गमया इस तरह की चीज़ें लिखते हैं तो वो आपके आंसर शीट को ज़्यादा इफेक्टिव या फिर ज़्यादा बेटर बनाता है दूसरों से। और एक बात जो हमेशा मैं बोलती आई हूँ कि साइकोलॉजिस्ट के बारे में हमेशा लिखिएगा, फिलोसोफर्स के बारे में हमेशा लिखिएगा अपने आंसर्स में। जैसे कि नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है कि अकॉर्डिंग टू जेन डेवे, जॉन डेवे, एन एम इज़ अ फोरसीन एंड विच गिव्स डायरेक्शन टू अ सर्टन एक्टिविटी और मोटिवेट्स ह्यूमन बिहेवियर। यानी एम जो है वो ऑलरेडी एक सोची समझी एक दृष्टिकोण है, फोरसीन एंड है जो हम अचीव करना चाहते हैं, विच गिव्स डायरेक्शन टू सर्टन एक्टिविटीज, जो डायरेक्शन देता है हमें किस तरह अचीव करना है, मोटिवेट करता है ह्यूमन बिहेवियर को। फिर आपने शुरू किया एजुकेशन से, मतलब ऑफ एजुकेशन, फिर आपने बात की एम ऑफ एजुकेशन, फिर आपने अपने आंसर में लिखा एम्स ऑफ एम, सिर्फ एम, फिर आपने लिखा एम्स ऑफ एजुकेशन, फिर आपने फिलोसोफर के बारे में लिखा, फिर जो आपका स्टेटमेंट आना चाहिए वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। तो उसमें आप पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखिएगा जिस तरह मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वो है एजुकेशन एम्स गिव्स डायरेक्शन टू एजुकेशनल एक्टिविटी, वो डायरेक्शन देता है कि किस तरह हमें पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, किस तरह हमारी एक्टिविटीज होनी चाहिए। इट गिव्स मीनिंग टू एजुकेशनल प्रोग्राम्स, वो एजुकेशनल प्रोग्राम्स को मीनिंग देता है, अल्टीमेट एम देता है कि क्या हम अचीव कर रहे हैं उससे, वो देता है। इट प्रोवाइड्स मोटिवेशन टू टेक अप एजुकेशनल प्रोग्राम। तो अगर आपका ये जो है एम जो है कि एक अच्छा टीचर बनाए, वही मोटिवेशन आपको बीएड प्रोग्राम लेने के लिए इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, तो हमारा जो एम है वो एम हमें मोटिवेट करता है जो पर्टिकुलर एजुकेशनल प्रोग्राम है उसे लेने के लिए। इट इज़ नेसेसरी फॉर इफेक्टिव स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन। तो एजुकेशनल एम की बात करें तो वो हेल्प करता है स्कूल के ऑर्गेनाइजेशन की, उसके एडमिनिस्ट्रेशन की और उसके सुपरविजन की, कितने एक्टिविटीज़ होने चाहिए एक टाइम टेबल में, क्या क्या होने चाहिए, कितने हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, कितने मोरल डेवलपमेंट और वैल्यू एजुकेशन होनी चाहिए, कितने एकेडमिक्स होने चाहिए, कितने हॉलीडेज होने चाहिए, या फिर कितना वक्त हम किन किन चीज़ों को बांटे, ये जो चीज़ें हम एम ऑफ एजुकेशन से ही डिसाइड करते हैं, जो हेल्प करता है स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन, उसका एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन। इट इज़ नेसेसरी टू असेस द आउटकम्स और रिजल्ट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम। सो ये हेल्प करता है हमें बताने के लिए कि कितना हमने अचीव किया है एक एकेडमिक ईयर के बाद, या फिर हमारे एजुकेशन के जो एक प्रोग्राम के बाद हमने क्या अचीव किया है और कितना हम अपना एम अचीव कर पाए हैं, उसको एक्सेस करने के लिए भी एम्स ऑफ एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। इट इज़ यूजफुल फॉर पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू कंट्रीब्यूट टू दैट बेस्ट। सो ये हेल्प करता है सबको, मोटिवेट करता है, टीचर को मोटिवेट करता है अल्टीमेट एम पाने के लिए, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है उनके अंदर क्या चेंजेस हम चाहते हैं। इट्स एजुकेशन इज रिलेटेड टू ओवरऑल डेवलपमेंट, तो क्या क्या वो चेंजेस चाहेंगे, चाहते हैं इस एजुकेशन प्रोग्राम से, वो उनको मिलता है। पेरेंट्स इंस्पायर होते हैं इससे कि उनका बच्चा क्या अल्टीमेटली गेन करेगा, सोसाइटी में क्या रोल प्ले करेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज इट गिव्स कंटिन्यूटी एंड सिग्निफिकेंस टू एजुकेशन। सो ये एक एम्स ऑफ एजुकेशन एक कंटिन्यूटी देता है एजुकेशन को, एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है, उसको सिग्निफिकेंट बनाता है। इसके बाद आप बात कीजिएगा कि व्यूज़ ऑफ एजुकेशन, जिसमें दो व्यूज़ हैं, एक तो है हमारा इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, दूसरा है सोशल। जिस तरह मैंने बात की कि तमसोमा ज्योतिर्गमया जैसे स्टेटमेंट्स हैं, संस्कृत के वर्ड्स हैं, अगर आप उसमें लिख पाएं एग्जाम में, वो बहुत ज़्यादा एम्फोसिस देता है, वो आपके आंसर शीट को अलग बनाता है। दूसरा जो है फिलोसोफर्स साइकोलॉजिस्ट के नाम लिख के उनके डेफिनेशंस या उनके व्यू पॉइंट लिखे, वो एक देता है। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगी वो डायग्राम्स, डायग्राम्स कभी ना भूलें, डायग्राम्स क्लियरली बनाएं, ईजी रहता है और वो टीचर्स की आंखों में ज़्यादा आता है। तो हमेशा अपने डायग्राम्स को रेडी रखें और इनको मिस कभी ना करें। सो इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन में अगर ये डायग्राम की बात करें तो एजुकेशन जो है इंडिविजुअल का ओवरऑल ग्रोथ लाता है। ओवरऑल ग्रोथ का मतलब क्या है?
उसका मोरल डेवलपमेंट, उसका सोशल डेवलपमेंट, उसका फिजिकल डेवलपमेंट और उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। और इसी के हिसाब से हमारे स्कूल का जो टाइम टेबल होता है, एक्टिविटीज़ होती हैं, प्लान की जाती हैं। सो एम्स ऑफ एजुकेशन में फर्स्ट लिखेगा टू एजुकेशन शुड ट्रेन द इंडिविजुअल्स फर्स्ट। यानी एम्स ऑफ एजुकेशन, अगर इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करें तो ये बात करता है कि हमारा एजुकेशन कंसंट्रेटेड, पूरा फोकस्ड होना चाहिए इंडिविजुअल पर। उसके जो डिफरेंसेस हैं उसको समझना चाहिए, उसके जो स्ट्रेंथ है उसको समझना चाहिए, उसका डेवलपमेंट करना चाहिए। इंडिविजुअल एम में सोसाइटी का कहीं भी इम्पोर्टेंस नहीं आता। तो आप जब भी लिखें इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, हर स्टेटमेंट आपको सिर्फ इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस में ही लिखना है, इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के हिसाब से लिखना है। यानी एजुकेशन शुड ट्रेन एन इंडिविजुअल फर्स्ट। तो पहला एजुकेशन का काम है कि वो इंडिविजुअल को ट्रेन करे। दूसरा जो काम है उसका, एजुकेशन टू डेवलप एन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू हिज एटीट्यूड, इंटेलिजेंस, कैपेबिलिटी, वैल्यूज, इंटरेस्ट। सो दूसरा जो एम है कि हर इंडिविजुअल अलग है, सो उसके अलग होने के हिसाब से उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो इंटेलिजेंस है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसके वैल्यूज हैं या इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से वो इंडिविजुअल को डेवलप करे। इंडिविजुअल शुड प्रोवाइड सच एन एनवायरमेंट वेयर एजुकेशन शुड प्रोवाइड सच एन एनवायरमेंट वेयर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल शुड हैपन। यानी एजुकेशन जो है वो एक ऐसा एनवायरमेंट बनाए जो होलिस्टिक, यानी ओवरऑल, ओवरऑल का जो अलग वर्ड हम यूज करते हैं एजुकेशनल फील्ड में वो होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट वो करवाए इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल सेंटर्ड एजुकेशन इज सपोर्टेड बाय बायोलॉजिस्ट, नेचुरलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड स्पिरिचुअलिस्ट। यानी ये थॉट प्रोसेस की जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कम्प्लीटली इंडिविजुअल बेस होना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझना चाहिए, इंडिविजुअल के स्ट्रेंथ को समझना चाहिए। इसको सपोर्ट करते हैं बायोलॉजिस्ट, नेचुरलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और स्पिरिचुअलिस्ट। आप आंसर में इंडिविजुअली इनके बारे में लिखें, उसके बाद क्रिटिसिज्म के बारे में आएगा, फिर आप इसके सेकंड सेगमेंट को आइएगा, दैट इज सोशल व्यू। इंडिविजुअल व्यू को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी इन चारों के बारे में इंडिविजुअली जानेंगे कि किस तरह का एजुकेशन सिस्टम समझते हैं एजुकेशन होना चाहिए। तो पहले वाला जो व्यू है वो है बायोलॉजिस्ट व्यू, इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन बायोलॉजिस्ट। और अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट ये हो रहता है कि एजुकेशन इज गिवन फॉर द सेक ऑफ इंडिविजुअल टू सेव हिम फ्रॉम डिस्ट्रक्शन। यानी इंडिविजुअल हम एजुकेशन इसलिए ही देते हैं ताकि इंडिविजुअल अपने को प्रोटेक्ट कर पाए किसी भी तरीके के हानि से, चाहे वो नेचुरल हो चाहे मैनमेड हो। कम्युनिटी एग्जिस्ट फॉर द इंडिविजुअल बट नॉट द इंडिविजुअल फॉर द कम्युनिटी। यानी जो कम्युनिटी है वो इंडिविजुअल के लिए बनी हुई है, इंडिविजुअल मिल के कम्युनिटी बनाते हैं, इंडिविजुअल कम्युनिटी के लिए नहीं बना है। इसीलिए एजुकेशन हमारा पहले इंडिविजुअल को फोकस करना चाहिए, फिर कम्युनिटी को। और इसको सपोर्ट करते हैं प्रोफेसर जी थॉम्सन, जो बताते हैं कि एजुकेशन इज फॉर इंडिविजुअल, इट्स फंक्शन एनेबल्स द इंडिविजुअल टू सर्वाइव एंड लिव आउट इट्स कंप्लीट लाइफ। यानी एजुकेशन इंडिविजुअल के लिए बना है और इसका काम ही है कि वो इंडिविजुअल को इतना सपोर्ट करे या फिर इतना उसको एनेबल बनाए, इतना एफिशिएंट बनाए कि वो सर्वाइव कर पाए और एक लॉन्ग लाइफ, एक कंप्लीट लाइफ जी पाए। सेकेंड जो व्यू है वो नेचुरलिस्ट व्यू है और उनके हिसाब से एजुकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इंडिविजुअल। यानी हर इंडिविजुअल अलग है और उसके नेचर के हिसाब से ही उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए। सोसाइटी इज फुल ऑफ एविल एंड सेल्फ सिक्योरिटी और सेल्फ प्रिजर्वेशन इज एन अनअवॉइडेबल एस्पेक्ट इन लाइफ एंड इंडिविजुअल शुड एनेबल द चाइल्ड टू डेवलप दीज क्वालिटीज। यानी इनका कहना है कि जो सोसाइटी है उसमें इतनी सारी बुराइयां भरी हुई हैं कि इंडिविजुअल को अपना जो सिक्योरिटी है उसको सिखाना हमें एजुकेशन से चाहिए। सेल्फ प्रिजर्वेशन, खुद के जो व्यूज हैं, खुद के जो एथिक्स हैं, खुद के जो कल्चर्स हैं, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए वो भी वो समझे, और खुद का डेवलपमेंट किस तरह करवाए, खुद को बेस्ट किस तरह बनाए, अपनी क्वालिटीज किस तरह डेवलप करे, वो एक एजुकेशन का एम होना चाहिए। और इसको सपोर्ट करते हैं रूसो। तो उनका कहना था कि एवरीथिंग इज गुड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड ऑफ नेचर बट एवरीथिंग डीजेनरेट्स इन द हैंड्स ऑफ मैन। सो जो भी नेचर से मिलता है वो उसके सबसे अच्छे फॉर्म में होता है, पर जैसे ही वो इंसान के हाथ में आता है, मैन के हाथ में आता है, वो डिफॉर्म्ड होता जाता है। इसीलिए हमें इंडिविजुअल को इतना सेल्फ सफिशिएंट बनाना है कि वो जो भी चीज ले वो उसको डिफॉर्म ना बनाए, बल्कि वो वैसे ही उसको रखे, उसको प्रिजर्व करना जाने, सेल्फ सिक्योरिटी जाने, एक अपने को सर्वाइव करना जाने, वो एजुकेशन का एम होना चाहिए।
इसके बाद वाला थर्ड जो पॉइंट है वो है साइकोलॉजिस्ट व्यू। और साइकोलॉजिस्ट का कहना था कि साइकोलॉजिस्ट रिगार्ड्स एवरी ईच इंडिविजुअल एज यूनिक वन एंड नो टू चाइल्ड आर इक्वल। तो ये इनका है कि कोई भी दो इंडिविजुअल, चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना हो, वो सेम नहीं होते। हर इंडिविजुअल यूनिक होता है। सो द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप द इनिट पावर ऑफ द इंडिविजुअल सो दैट ही कैन डेवलप इट टू इज मैक्सिमम पावर। सो एक इंडिविजुअल जो एजुकेशन का जो एम होना चाहिए साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से, कि हर इंडिविजुअल का जो इनेट पावर है वो कैसे डेवलप हो, वो कैसे बढ़े। फिर हम बात करते हैं चौथे की, वो है स्पिरिचुअलिस्ट सपोर्ट। तो स्पिरिचुअलिस्ट बिलीव दैट एवरी इंडिविजुअल इज अ सेपरेट आइडेंटिटी एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्शन। सो हर जो स्पिरिचुअली बताते हैं कि हर इंडिविजुअल अलग है और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद ले पाए, वो हमें एजुकेशन के द्वारा उनको सिखाना है। एजुकेशन एम इज टू लीड द इंडिविजुअल टू सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट। यानी एजुकेशन वो होना चाहिए जो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेके जाए, सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए। ये एक्चुअली हमारे वैदिक एजुकेशन में हम इसी चीज को पाते हैं कि वैदिक एजुकेशन का जो कंप्लीट मोटो था वो था इंडिविजुअल डेवलपमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन। इस पे क्रिटिक्स का जो है क्रिटिसिज्म जो है वो पार्ट्स हैं कि इंडिविजुअल इज अ सोशल एनिमल एंड कांट बी कंसीव्ड आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी। यानी हर इंडिविजुअल ह्यूमन बींग इज अ सोशल एनिमल, उसे एक सोसाइटी के साथ रहना है और उसे हम इंडिविजुअली नहीं ले सकते, उसको हम सोसाइटी के साथ ही देख सकते हैं। दूसरा जो है एब्सोल्यूट फ्रीडम शुड नॉट बी गिवन टू इंडिविजुअल। एब्सोल्यूट फ्रीडम किसी को भी नहीं मिलना चाहिए जब वो एक सोसाइटी का पार्ट है। हर इंडिविजुअल को अपने सोसाइटी का एक रोल प्ले करना पड़ता है, तो उसको एब्सोल्यूट फ्रीडम किसी को भी नहीं मिलना चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है, इट मेक्स मैन सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड। अगर हम सिर्फ इंडिविजुअल की बात करें तो वो एक इंसान को सेल्फ सेंटर बना देता है, दूसरों के प्रति एम्पथी नहीं रह पाता, दूसरे कल्चर्स को नहीं जान पाता, दूसरों को समझ नहीं पाता। तो यहाँ सेल्फिशनेस डेवलप होता है लोगों के बीच। तो हमें हमारा जो एम ऑफ एजुकेशन है वो सोशल थोड़ा होना चाहिए, ये क्रिटिक्स का मानना है। इग्नोर्स कल्चर हेरिटेज एंड सोशल फिटनेस। तो जिस तरह मैंने कहा, अगर सेल्फिश है तो दूसरों के कल्चर्स को नहीं समझेगा, हेरिटेज को नहीं समझेगा, सोशल फिटनेस, सोशल लाइफ, सोशल बिहेवियर्स को नहीं समझेगा। तो एम्स ऑफ एजुकेशन अगर हम इंडिविजुअल लेवल करें तो ये डिमेरिट्स मिलेंगी। उसके साथ हमें ये भी मिलेगा कि इंडिविजुअल इंस्टिंक्ट्स लीड्स हिम टू लॉ ऑफ जंगल इफ सेपरेटेड फ्रॉम सोसाइटी। तो लॉ ऑफ जंगल जो है, जिस तरह जिस जो बलशाली है वही जीतता है और दूसरों पर राज करता है, तो वो हमारा जो सोसाइटी है वो उस तरह लीड करेगा अगर हमारा एम ऑफ एजुकेशन सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर आ गया। हम एम्पैथेटिक नहीं होंगे, दूसरों के कमजोर वर्गों को नहीं समझेंगे, तो सोशल इनइक्वालिटी क्रिएट होगी हमारा अगर एम ऑफ एजुकेशन इंडिविजुअल बेसिस हो गया। सो ये क्रिटिसिज्म हुए आपके एम्स, इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन की। जिस तरह बात की, आपके जो क्वेश्चन में दो सेगमेंट्स आने चाहिए, एम्स ऑफ एजुकेशन इंडिविजुअल एंड दूसरा सोशल। इंडिविजुअल में चारों पॉइंट्स आप लिखिएगा, बायोलॉजिस्ट, नेचुरलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड स्पिरिचुअलिस्ट, उसके साथ क्रिटिसिज्म। और उसके बाद जो सेगमेंट आएगा वो है सोशल एम ऑफ एजुकेशन, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। सोशल एम ऑफ एजुकेशन, तो उसमें हम बात करेंगे कि एक्चुअली ये हेल्प क्या करता है, एजुकेशन का जो एम है वो क्या होना चाहिए। और सोशल बात करता है कि एजुकेशन का जो एम है वो सोसाइटी की डेवलपमेंट होनी चाहिए। हर इंडिविजुअल सोसाइटी में एक रोल प्ले करता है और हमें एजुकेशन उसी के हिसाब से देना चाहिए। अगर एक इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी उसकी मेमोराइजेशन है, तो हमें उसे वो तरीके का एजुकेशन देना चाहिए जो उसको उस सेक्शन में हेल्प करे, जो वो फर्दर जाकर एक ऐसा रोल प्ले कर पाए जहां ज्यादा मेमोराइजेशन की जरूरत हो। अगर हम चाहते हैं कोई आर्टिस्टिक बेंड है, क्रिएटिविटी है, तो हमें उसे ऐसा एजुकेशन देना चाहिए जो वो लीड करे कि सोशल लाइफ में वो एक ऐसा रोल प्ले कर पाए जहां क्रिएटिविटी हो। तो यहां बात करते हैं सोशल एम ऑफ एजुकेशन कंप्लीटली जाता है सोशल लाइफ, कम्युनिटी, स्टेट, कंट्री या वर्ल्ड एज अ सच, एज अ होल। एजुकेशन उस तरीके की चीजों को एम करना चाहिए। सो एजुकेशन शुड फोकस ऑन सोशल डेवलपमेंट। तो एजुकेशन का फर्स्ट फोकस होना चाहिए कि सोशल डेवलपमेंट, एक दूसरे से कैसे बात करें, कैसे बिहेव करें और एक दूसरे को किस तरह समझें, वो एम का एजुकेशन होना चाहिए। द स्टेट और सोसाइटी अलोन इज द रियलिटी एंड इंडिविजुअल इज इन्फीरियर टू इट इन ऑल रिस्पेक्ट। यानी एक स्टेट हो या फिर एक नेशन हो, एक सोसाइटी हो, वो सबसे ऊपर आता है, उसके बाद इंडिविजुअल आते हैं। अगर हमें इस तरह समझें कि देश पहले आता है फिर हम आते हैं, हमें देश के लिए सब कुछ करना चाहिए, तो यहाँ वही स्टेटमेंट आता है कि पहले स्टेट आता है उसके बाद इंडिविजुअल
आते हैं, इंडिविजुअल चीज़ें आती, इंडिविजुअल एंटिटीज आती हैं. इंडिविजुअल इज बोर्न एंड डेवलप इन अ सोसाइटी एंड शुड इवन सेक्रीफाइस इज लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. सो इंडिविजुअल सोसाइटी में बड़ा होता है, सोसाइटी में जीता है, सोसाइटी में ही अपनी जो पूरी लाइफ है, स्पैन है, वो कंप्लीट करता है. तो इसीलिए अगर वो देश के लिए, सोसाइटी के लिए अपनी जान भी दे रहा है तो वो गलत नहीं है. तो उसको वैसा करना चाहिए, एजुकेशन उसी तरह का करना चाहिए जहाँ हम नेशनल जो व्यू पॉइंट है वो समझा पाएं, या फिर सिटीजनशिप समझा पाएं, या फिर एक दूसरे ब्रदरहुड समझा पाएं. सो एजुकेशन का जो मोटो है वो सोशल मोटो होना चाहिए. और इसे जो फेवर करते हैं, इसको जो प्रपोज करते हैं, रोस्ट करते हैं, इंडिविजुअलिटी इज ऑफ नो वैल्यू एंड पर्सनैलिटी इज अ मीनिंगलेस टर्म अपार्ट फ्रॉम द सोशल एनवायरमेंट इन विच दे आर डेवलप एंड मैनिफेस्टेड. यानी अगर इंडिविजुअलिटी की बात करें, एक इंडिविजुअल का कोई वैल्यू नहीं है अगर वो सोसाइटी में नहीं है तो. अगर अकेला ही है तो उसकी इंडिविजुअल वैल्यूज क्या है. और दूसरा है कि पर्सनैलिटी का भी कोई वैल्यू नहीं है अगर आप इंडिविजुअल अकेले ही थे तो फिर आपकी पर्सनैलिटी का भी कोई वैल्यू नहीं है. पर्सनैलिटी और वैल्यूज तभी आती हैं जब आप एक सोशल एनवायरमेंट में जीते हैं, रहते हैं, और वहां वो डेवलप होता है और सोसाइटी के हिसाब से आपके बिहेवियर्स डेवलप होते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं. And this is supported by socialist authority and countries. So ये जो view point है social aim of education, ये socialist authority और country इसको support करते हैं. तो state socialist का जो support है, उनका कहना है कि state has the right to mold and shape the individual so as to suit its own purposes and progresses. यानी हमें एक देश उसी तरीके की education देनी चाहिए जो देश के लिए अच्छा हो, देश के बढ़ने के लिए अच्छा हो. वो लोगों को किस तरह मोल्ड करे, किस तरह शेप करे ताकि देश आगे बढ़े, वो सोच होनी चाहिए एजुकेशन में. स्टेट शुड यूज एजुकेशन एज अ मीन ऑफ प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल टू प्ले डिफरेंट रोल्स इन सोसाइटी. सो जो एजुकेशन का मेन मोटो है, एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए ताकि वो होना चाहिए कि वो डिफरेंट रोल जो है सोसाइटी में प्ले कर पाए इफेक्टिवली ताकि देश आगे बढ़ पाए. नेक्स्ट जो है अथॉरिटी, इनका व्यू है कि द स्टेट इज सुप्रीम टू डेडिकेट व्हाट शैल बी टॉट. सो पूरा कंप्लीट अथॉरिटी, एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन क्या होना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, कंप्लीट स्टेट पे होना चाहिए और वही इसको डिसाइड करे कि कैसे हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएं. और इसको सपोर्ट करते हैं हेगल. इनका कहना है, जो जर्मन फिलोसोफर थे, इनका कहना है कि द स्टेट इज द मोरल एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी फार अबव द इंडिविजुअल. यानी स्टेट जो है, कंट्री जो है, वो सबसे बड़ा अथॉरिटी है, वो मॉरल अथॉरिटी है, पॉलिटिकल अथॉरिटी है और बहुत बड़ा है इंडिविजुअल लेवल से. कंट्री की बात करें तो कंट्री भी सपोर्ट करता है एजुकेशन सिस्टम जो सोशली ओरिएंटेड है. तो इसमें है कि इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एजुकेशन एम एट डेवलपिंग इंडिविजुअल एज अ सोशली इफेक्टिव इंडिविजुअल्स. यानी डेमोक्रेटिक कंट्री हमेशा चाहेगा कि वो ऐसे लोग बनाए, ऐसे सिटीजन्स बनाए जो सिटीजनशिप समझ पाए, ब्रदरहुड समझ पाए, जो सोशल एफिशिएंसी समझ पाए. एजुकेशन फॉर सोशल सर्विस, एजुकेशन फॉर सिटीजन्स. गांधी जी का मानना था कि एजुकेशन एम शुड बी ऑफ मेकिंग पीपल रियलाइज दैट एजुकेशन वॉज नॉट मेरिली फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिविजुअल बट फॉर द नीड ऑफ प्रीडोमिनेंटली फॉर रूरल एंड एग्रीरियल पॉपुलेशन. यानी गांधी जी का मानना था कि एजुकेशन लोगों को ये बताए, ये रियलाइज करवाए कि उनका जो इम्पोर्टेंस है एज एन इंडिविजुअल, जो इम्पोर्टेंस है वो देश को बढ़ाने के लिए है. उनको वो रियलाइज करवाए कि हमें कोशिश करनी है जो सोसाइटी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, जो रूरल एरियाज में है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एरियाज में है, उनको हम आगे कर पाए. और सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं हो सकता, ये एक बहुत बड़ा लेवल पे है, देश के लेवल पे है. जॉन डेवे का मानना है कि एजुकेशन शुड मेक ईच इंडिविजुअल सोशली एफिशिएंट. यानी एजुकेशन उस तरह का हो जो इंडिविजुअल को सोसाइटी में जीने के लिए हेल्प करे, सोशली एफिशिएंट हो. और एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन 1964-66 का मानना है, एजुकेशन कांट बी कंसिडर्ड इन आइसोलेशन और प्लान्ड इन वैक्यूम. इट हैज टू बी यूज्ड एज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन. इनका मानना है, एजुकेशन कोठारी कमीशन का मानना है कि अगर हम देश में परिवर्तन चाहते हैं और तो हमें एजुकेशन को हम आइसोलेशन पे नहीं कर सकते, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर सकते, इसको हमें बड़े स्पैन पे करना होगा क्योंकि यही वो तरीका है, ये वही इंस्ट्रूमेंट है जो देश में सोशल, इकोनॉमिक या पॉलिटिकल चेंज ला सकता है.
अब बात करें जो लास्ट फेज है क्रिटिसिज्म की सोशल डेवलपमेंट की, तो सोशल एम ऑफ एजुकेशन इज अनसाइकोलॉजिकल। ये अनसाइकोलॉजिकल है, इंडिविजुअल की साइकोलॉजी को नहीं समझता है। इट नेगलेक्ट्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड प्रिपेयर द इंडिविजुअल टू फुलफिल द नीड्स ऑफ सोसाइटी। ये कंप्लीटली ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नेग्लेक्ट कर रहा है, इंडिविजुअल की चॉइसेस को नेग्लेक्ट कर रहा है, इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ को नेग्लेक्ट कर रहा है और सिर्फ सोसाइटी के बारे में सोच रहा है। लिव्स लिटिल स्कोप फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट। और ऐसे एजुकेशन सिस्टम में इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बहुत कम स्कोप होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप जब पढ़ना शुरू करते हैं आपको पता होता है आप कौन सा रोल प्ले करने वाले हैं सोसाइटी में, आप उसी के हिसाब से प्ले करते हो, उसी के हिसाब से आप एजुकेशनल प्रोग्राम्स लेते हो। तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट का स्कोप जो है बहुत कम है। नेग्लेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रीडम, यहाँ इंडिविजुअल फ्रीडम एक्सप्रेशन का अभाव है। इट इज वन साइडेड एजुकेशन डेवलपिंग ओनली सिटीजनशिप क्वालिटी एंड सोशल एफिशिएंसी। और ये कम्प्लीटली एक तरफा है जहां वो सिर्फ सोशल डेवलपमेंट की बात करता है, सिटीजनशिप डेवलपमेंट की बात करता है, सोशल बिहेवियर की बात करता है। एज एन इंडिविजुअल आप कितने डेवलप हो रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की बात नहीं करता, सेल्फ डेवलपमेंट की बात नहीं करता। तो यहाँ जो इंडिविजुअल लेवल का कोई भी स्कोप नहीं हो रहा। और इट अब्स्ट्रक्ट द मेंटल एस्थेटिक स्पिरिचुअल एंड आर्टिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। तो और ये अब्स्ट्रक्ट करता है, बंद करता है एक इंडिविजुअल का मेंटल डेवलपमेंट, उसकी ब्यूटी सेंस यानी एस्थेटिक डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या आर्टिस्टिक डेवलपमेंट या क्रिएटिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल, इन सबको बंद करता है। सो फ्रेंड्स, ये था एम्स ऑफ एजुकेशन इन व्यू ऑफ इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन एंड सोशल व्यू ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।